मित्रों नमस्कार, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों पिछले दिनों मित्रों मोदी गवर्नमेंट ने शपथ ग्रहण कर लिया है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, और जो भी मंत्रीगण थे उनके पोर्टफोलियो का भी अलॉटमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्केट का अगला ट्रिगर है वो बजट को माना जा रहा है। एक बजट हो गया, दूसरा जो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने जा रही है उसका माना जा रहा है। जिस तरह के हालात हैं मित्रों, जो अभी हाल ही में जो आंकड़े आए हैं काफ़ी निराशाजनक आंकड़े आए हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के प्लस प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग के, तो ओवरऑल जो जीडीपी है वो उनका ग्रोथ कम हुआ है, और ऊपर से जो बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं ये सारे जो विषय हैं वो चिंताजनक विषय हैं। वर्तमान सरकार के पास ऐसी चुनौतियां हैं जिसमें जो अर्थव्यवस्था में डिमांड कम हो गई है उस डिमांड को बढ़ाने का समस्या है कि कैसे डिमांड बढ़ेगी, और इसके अतिरिक्त जो बेरोजगारी हो गई है उस बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल किया जाए, ऐसे कैसे काम किया जाए कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की संभावनाओं की वृद्धि हो। ऐसा प्रयास देखा जाता है मित्रों कि चुनाव के उपरांत जो निफ्टी के जो और स्टॉक मार्केट के जो ऐतिहासिक आंकड़े हैं उन आंकड़ों में चुनाव के साल के बाद से लेकर के अगले 4 सालों तक मार्केट में भयंकर तेजी रहती है, और उस लिहाज से देखा जाए तो स्मॉल एंड मिडकैप सेगमेंट में बहुत बेहतरीन मौके हैं। पिछले दिनों इस संबंध में एक वीडियो भी बना रहा था, लेकिन वीडियो हालांकि अधूरा रह गया था। उस वीडियो में केवल म्यूचुअल फंड के बारे में ही चर्चा हो पाई थी, तो फिलहाल मैं आज पूरे एक कंप्लीट वीडियो बनाने को लेकर के बैठा हूँ कि आज हम पूरे चुनाव के बाद हम अपनी निवेश रणनीति क्या बनाएं उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जैसा कि हम जानते हैं मित्रों कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसमें अर्थव्यवस्था से को संकट से निकालने के लिए मोदी गवर्नमेंट को काफ़ी बड़े काम करने पड़ेंगे। जब बड़े काम करने पड़ेंगे तो जिन जिन सेक्टर में काम होगा उन सेक्टर में ग्रोथ भी आएगा, तो उसमें निवेश के मौके भी मिलेंगे। मौजूदा समय में लार्ज जो मिड सेगमेंट है मित्रों वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लिहाजा जो निवेश के बेहतरीन मौके हैं इसमें वो स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में है। निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और उसकी तुलना में यदि हम मिड कैप और स्मॉल कैप को देखेंगे तो अभी भी अपने ऊंचाई से 15-20% लगभग नीचे चल रहे हैं। यानी सीधे सीधे देखा जाए तो अभी भी इसमें 15-20% की संभावना है, और फिर आगे जो तेजी आएगी वो तो आएगी ही आएगी। तो मित्रों स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे हम स्मॉल एंड मिडकैप कैटेगरी की तरफ प्रवेश करते जाते हैं उसी के साथ साथ हमारे जोखिम भी बढ़ते जाते हैं। लार्ज कैप में शेयरों की संख्या बहुत कम होती है, मिड कैप में उससे ज़्यादा होती है, और स्मॉल कैप में बहुत ही ज़्यादा होती है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी जो ये 100 शेयर है निफ्टी 50 के 50 शेयर और नेक्स्ट 50 के 50 शेयर 100 शेयर, इनको जो है लार्ज कैप कैटेगरी में रखा गया है, और 100 से लेकर के जो 250 तक की कैटेगरी है मार्केट कैप के हिसाब से घटते क्रम में हम सूची बनाए तो 101वें से लेकर के जो 250वें तक इस जो कंपनी आएगी वो कंपनियां मिड कैप सेगमेंट में है। तो देखा जाए तो सीधे सीधे 1.5 गुना हो गया मिड कैप में कंपनियों की संख्या, और 251 से लेकर के अंत तक ये जो कैटेगरी है मित्रों ये स्मॉल कैप कैटेगरी मानी जाती है। तो हम जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं वैसे वैसे कंपनियों की संख्या बढ़ती जाती है। तो मित्रों
जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे रिस्क भी बढ़ते जाते हैं। हमारे पास जितने अधिक विकल्प होते हैं मित्रों, उस विकल्प में अच्छे का चयन कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। यदि कम संख्या हो, कम संख्या में अच्छे का चुनाव करना आसान होता है, लेकिन जब संख्या अधिक हो जाती है तो उसमें से अच्छे का चुनना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो स्मॉल एंड मिडकैप सेगमेंट में एक अच्छी कंपनी का सिलेक्शन कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क भी बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि हम अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम रिटर्न भी अच्छे आते हैं। यदि हम अच्छे स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो बेहतर होगा कि हम जो स्मॉल एंड मिडकैप सेगमेंट के म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करें। जैसे आपका SBI म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड है, बहुत अच्छा फंड है। रिलायंस म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप है, वो भी बहुत अच्छा फंड है। DSP ब्लैक रॉक का स्मॉल कैप फंड है, वो भी बहुत अच्छा फंड है। इस तरह से HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, L&T का मिड कैप है, ये काफ़ी अच्छे अच्छे फंड है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा और ध्यान दें, थोड़ा सा उसके आगे चले, तो हम अच्छे स्टॉक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छे स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमको सेक्टर देखना चाहिए कि हमें किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो मोदी गवर्नमेंट का पिछले साल का कार्यकाल रहा उसको देखते हुए मैंने कुछ सेक्टर तलाशे हैं, उन सेक्टर में मैंने अपने पसंदीदा जो हमारे स्टॉक है मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। तो मित्रों, किसी भी अर्थव्यवस्था में जब तेजी आती है तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ करता है वो सेक्टर ग्रोथ करता है फिनांस सेक्टर। और फिनांस सेक्टर में मित्रों कई सेगमेंट हो जाता है। फिनांस सेगमेंट में आपका नंबर 1 पे बैंकिंग हो जाता है, नंबर 2 पे होम लोन हो जाता है, नंबर 3 पे जो नॉर्मल लोन होते हैं जो वो हो जाता है। फिर उसी में AMC बिजनेस आ जाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह, इंश्योरेंस का भी बिजनेस आ जाता है। इसके अतिरिक्त जनरल इंश्योरेंस का भी आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी आ जाता है। तो ये सेगमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें क्या लेना चाहिए? रामदेव अग्रवाल की, जो मोतीलाल ओसवाल के हैं सर, उनका ये मानना है कि अभी जिस सेगमेंट में पैसा बनेगा वो AMC बिजनेस में पैसा बनेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे करके कंपनियाँ लिस्टेड होती जा रही हैं। अभी इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का जो कारोबार है अभी बहुत बचा हुआ है। अपने देश के मुश्किल से 4-5% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंश्योर्ड हैं। तो अभी ये पूरा खुला मैदान है। तो इस सेगमेंट से हमको अच्छे स्टॉक चयन करने चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरे विचार से मित्रों, यदि हम रिस्क कम लेना चाहते हैं तो स्मॉल सेगमेंट का जो एक बैंकिंग सेक्टर का शेयर है मित्रों, वो है सिटी यूनियन बैंक। बहुत ही निरंतर प्रदर्शन करने वाला स्टॉक है, लगभग 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है आजकल। उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और यदि थोड़ा सा हम आगे बढ़ना चाहते हैं मित्रों, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो DCB बैंक है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको भी हम पिक कर सकते हैं। और यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं मित्रों, तो एक बैंक है अभी हाल ही में जो लिस्ट हुआ है, IDFC फर्स्ट बैंक, ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। और IDFC फर्स्ट बैंक मित्रों कई मामले में स्पेशल हो जा रहा है। सबसे पहला स्पेशल ये हो जा रहा है मित्रों कि जब से IDFC का कैपिटल फर्स्ट में विलय हुआ है, तब से इसके पास जो इसके हेड हैं मिस्टर पी वैद्यनाथन, जो पहले कैपिटल फर्स्ट वाले थे, इनके अनुभव और इनकी जानकारियों और अच्छे जो इनकी काबिलियत है उसका लाभ मिलने की संभावना इसको अधिक है। इसके अतिरिक्त IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में और भी आकर्षक चीज़ें हैं। नंबर जो आकर्षक चीज़ें हैं उसमें ये है कि मित्रों, किसी और बैंक में चले जाइए तो जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है उससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग 4% के आसपास देते हैं, ये 6-7% ऑफर करते हैं। इसके अतिरिक्त इनके ATM पर हमें 25 लाख का इंश्योरेंस भी मिलता है। यदि हम उसके ATM कार्ड को यूज करते हैं और कोई
एक्सीडेंटल वगैरह कोई घटना हो जाती है तो उसमें 25 लाख का इंश्योरेंस भी मिलता है, जबकि नॉर्मल ICICI बैंक अगर हम चले जाइए तो 10 लाख का इंश्योरेंस होता है। तो उस लिहाज से भी जैसे जैसे इस सुविधा का प्रचार प्रसार होगा वैसे वैसे इसके अकाउंट वगैरह और खुलेंगे। इनके आने वाले कुछ सालों में 2-3 सालों के अंदर इनको 200 ब्रांच तक पहुंचाने का इरादा है। और जो अपने आप में कैपिटल फर्स्ट है, जो कंज्यूमर लोन करता है, जो छोटे छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे हमें टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, एसी लेना है, तो इन सब जो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छा तगड़ा काम किया है। बजाज फाइनेंस का जो ग्रोथ है, सेगमेंट है बजाज फाइनेंस, उस ग्रोथ में इस कंज्यूमर लोन का बहुत बड़ा योगदान है। और बजाज फाइनेंस की तरह ही कैपिटल फर्स्ट की भी वर्किंग है। तो एक तरफ बजाज फाइनेंस की क्या स्थिति है कि वो जो उसकी कॉस्ट ऑफ लोनिंग है वो क्या करते हैं कि दूसरों से पैसा उधार लेते हैं और उस पैसे को लोन के रूप में वितरित करते हैं। जो जब दूसरों से पैसा उधार लेते हैं मित्रों, तो होता क्या है कि इसमें उनको 7-8% का रिटर्न देना पड़ता है। तो बीच का जो मार्जिन होता है जिसको NIM कहते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यही इनका फायदा होता है। तो वहाँ पर जो बजाज फाइनेंस है वो कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है, वो NCD के माध्यम से, डिबेंचर के माध्यम से जो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। और कैपिटल फर्स्ट के साथ क्या स्थिति है मित्रों कि कैपिटल फर्स्ट ने इसी समस्या को लेकर के इन्होंने IDFC बैंक में विलय किया। तो IDFC बैंक जब सेगमेंट आ जाता है मित्रों, तो यहाँ पर कासा जो होता है, कासा मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो जब कासा होता है, कासा में 4-5% का जो ब्याज देना पड़ता है, हालांकि ये IDFC 7% देने की बात कह रहे हैं। तो कासा के कारण जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग होता है वो कम हो जाता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। तो लिहाजा कैपिटल फर्स्ट बैंक एक अच्छा स्टॉक है और इस स्टॉक पे दाव लगाना चाहिए। दूसरा जो मित्रों AMC बिजनेस है, जिस बिजनेस के लिए स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में हम आना चाहते हैं, तो उसमें एक इडलवाइज फाइनेंस है, वो भी SME लोन देते हैं, कॉर्पोरेट लोन भी देते हैं, उनका खुद का म्यूचुअल फंड भी है, इंश्योरेंस भी है, आने वाले समय का अच्छा स्टॉक है इडलवाइज फाइनेंस। और इसमें कई जो बड़े अपने मार्केट के जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो इडलवाइज फाइनेंस हो गया, L&T फाइनेंस हो गया, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय में इसको भी देखा जा सकता है। और इन सब सेगमेंट से बढ़ करके मित्रों मुझे एक जो स्टॉक उठता है वो आदित्य बिरला कैपिटल है। आदित्य बिरला कैपिटल यदि हम मित्रों लेते हैं तो उसके अंदर कुल 13-14 प्रकार के बिजनेस आते हैं। उनका होम लोन का भी है, उसका ऑटो लोन का भी है, उसका इंश्योरेंस का भी है, उनका म्यूचुअल फंड का भी है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस का भी है। तो आदित्य बिरला कैपिटल अपने आप में पूरा पैकेज है। हालांकि जब से आदित्य बिरला कैपिटल मित्रों लिस्ट हुआ है तब से वो लगातार गिरावट झेल रहा है, उसके दुर्दिन चल रहे हैं। 240 के आसपास जो लिस्ट हुआ था वो स्टॉक आज की डेट में 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है और बहुत अच्छा है। तो मेरे विचार से इडलवाइज फाइनेंस और LLT फाइनेंस को लेने के बजाय यदि हम आदित्य बिरला कैपिटल लेते हैं मित्रों और इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो निस्संदेह बहुत ही अच्छा रिटर्न आएगा। और धीरे धीरे करके इनका ग्रो हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि आदित्य बिरला कैपिटल को भी लिया जा सकता है। इसके बाद मित्रों जो 2020 आने जा रहा है, 2020 में मित्रों भारत सरकार का लक्ष्य है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च करने का। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब लॉन्च होगा मित्रों तो बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आएगा मित्रों कि जो हमारे अपने देश में जो डीजल और पेट्रोल पे जो निर्भरता है, जो हमारे आयात और निर्यात में जो घाटे का बहुत बड़ा कारण है, जिसको आप पढ़ेंगे तो तेल पुल घाटा कहा जाता है,
तो उस घाटे का बहुत बड़ा कारण होता है पेट्रोलियम का आयात करना। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च होने के बाद मित्रों हमारे अर्थव्यवस्था की जो है पेट्रोलियम पदार्थों पे निर्भरता कम होगी। जब निर्भरता कम होगी तो हमारी हमारा अर्थव्यवस्था अपने आप स्वाभाविक है कि वो मजबूत होगा। तो लिहाजा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी हमें ध्यान देना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को देखते हैं तो स्मॉल सेगमेंट जो स्टॉक है वो अशोक लेलैंड है। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में तो लार्ज कैप है महिंद्रा एंड महिंद्रा में रख रखा हूँ, लेकिन स्मॉल मिड कैप कैटेगरी का मित्रों अशोक लेलैंड बहुत अच्छा स्टॉक है। और जो ऑटो पार्ट बनाने वाली जो अन्य कंपनियाँ हैं जैसे बैरॉक इंजीनियरिंग हाल ही में लिस्ट हुई है, बहुत अच्छा है। तो बैरॉक इंजीनियरिंग पर भी दाव खेला जा सकता है। और एक और है मित्रों सुंदरम फास्टनर्स है, उसको भी देखा जा सकता है। और एक और है महिंद्रा सीआई ऑटो, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। महिंद्रा सीआई ऑटो के पास जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के बहुत सारे उसके वो है पार्ट बनाते हैं उनके पास है, तो महिंद्रा सीआई को भी देखा जा सकता है। इसके उपरांत मित्रों तीसरा आईटी सेक्टर की हम बात करेंगे। आईटी जैसे जैसे मित्रों अपनी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ हो रहा है तो आप देखेंगे कि वो ऐप बेस्ड बिजनेस होता जा रहा है। तो जिस तरीके से वो 4G लॉन्च हुआ, जैसे जियो लॉन्च हुआ है, इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है मित्रों, तो उसमें तमाम तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहे हैं। उन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आईटी कंपनियां बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हैं। आईटी कंपनियों ने हमारे निवेशकों को ह्यूज रिटर्न कमा के दिया हुआ है। अभी भी इन आईटी कंपनियों में बहुत स्कोप है, तो आईटी कंपनियों पर भी दाव लगाया जा सकता है। आईटी कंपनियों में जो सबसे मेरा पसंदीदा स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो में वो माइंडट्री है। माइंडट्री जैसा कि हम जानते हैं बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी हाल ही में इसमें L&T ने एक बहुत बड़ा स्टेक लिया है और आगे इसको कंट्रोलिंग स्टेक लेने की जुगाड़ में है। 1000 रुपये के आसपास ट्रेड करता है मित्रों। और L&T की मित्रों IT सेक्टर में ही काम करने वाली दो और कंपनियां हैं, L&T इन्फोटेक और L&T टेक्निकल सर्विसेज। ये दोनों कंपनियां भी बहुत बेहतरीन कंपनियां हैं। इनका जो रिटर्न रेशियो होता है जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, वो भी बहुत शानदार है। तो वो भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से L&T ने माइंडट्री पर माइंडट्री को टेक ओवर किया है, उसके पीछे कारण यह है कि L&T IT सर्विसेज को लेकर के जो सपना देख रही थी वो सपना L&T टेक्निकल सर्विसेज और L&T इन्फोट से पूरा नहीं हो पाया, लिहाजा वो उसके बाहर जा करके माइंडट्री को टेक ओवर करना पड़ा। आने वाले समय में हम ये भी सुन सकते हैं कि ये जो तीनों कंपनियां हैं तीनों कंपनियों को भी विलय कर दिया जाए, हो सकता है, तो काफ़ी अच्छा जाएगा। तो इसको भी देखा जा सकता है इन तीनों को। IT सेक्टर का एक और बहुत अच्छा शेयर है मित्रों, उसको भी साइंट भी बहुत अच्छा स्टॉक है। और लार्ज कैप में जो स्टॉक्स हैं वो तो है ही, TCS भारत की सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है और ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें ये पहुंच चुकी है TCS। तो TCS अपने आप में बहुत बड़ी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हम यहाँ पर चर्चा स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट की कर रहे हैं, तो मेरी जो पिक होगी, मेरा जो पसंद होगा वो माइंडट्री होगा। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी माइंडट्री है और IT जो मैंने बात चर्चा किया वो L&T इन्फोटेक और वो भी हो गया। इसके बाद जो अगला जो काम होने जा रहा है, जो पिछली सरकार में जो काम हुआ था मित्रों, जो सबसे ज़्यादा काम हुआ था जिस मंत्रालय में काम हुआ था वो मंत्रालय था मित्रों रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट का, जिसके नितिन गडकरी मंत्री थे। और इस बार पुनः नितिन गडकरी को भी रोड सेगमेंट दिया गया है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि जैसे पिछली बार काम हुआ था तो उससे तेज़ी से भी और भी काम होगा। जो इनका भारतमाला प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां लाभान्वित होंगी, उसे बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो इसको देखते हुए मित्रों
हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो जो रोड निर्माण करने वाली कंपनियां हैं मित्रों, हालांकि लार्ज कैप में तो सबसे अच्छी L&T है, लेकिन यदि हम उसके छोटे सेगमेंट में चले जाते हैं मित्रों, तो आपका KNR कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा स्टॉक है। KNR पे मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, KNR कंस्ट्रक्शन एक बहुत अच्छा स्टॉक है, KNR को देखा जा सकता है। और PNC इंफ्राटेक जो UP बेस्ड है, PNC भी धीरे धीरे करके कंपनी ग्रो हो रही है। दिलीप बिल्डकॉन ये भी अच्छी कंपनी है। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, लेकिन नागार्जुना कंस्ट्रक्शन का वो एक वो जाल में जैसे फंसा हुआ है, वो 120 का जो जाल है वो फंसा हुआ है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो सरकार चेंज हुई, उस सरकार चेंज होने का नतीजा ये हुआ कि ये तो कितना नीचे चला गया वो NCC। तो मेरी अपनी राय होगी वो KNR कंस्ट्रक्शन पे दाव लगाने की। KNR कंस्ट्रक्शन मित्रों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का सबसे कम कर्ज वाली कंपनी है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो उनका ह्यूज डेप्ट होता है। तो बहुत बड़ा जो डेप्ट होता है, उस डेप्ट का ही नतीजा हुआ कि मित्रों IVRCL, JP इंफ्रा, JP एसोसिएट, GMR, गेमोन इंफ्रा, सबकी सब LITL, लैंको इंफ्रा, सबकी बैंड बच गई। तो इस सेगमेंट में कम कर्ज होना कंपनी का बहुत ही एक अच्छा संकेत होता है। तो उस लिहाज से KNR कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे आएगा मेरी राय में। अगला है मित्रों, जो पिछली बार भारत सरकार का जो काम हुआ था अफोर्डेबल हाउसिंग पर, सरकार का लक्ष्य है कि 2022 में हम जो सबके लिए आवास बना के देंगे। जब सबके लिए आवास बना के देंगे मित्रों, तो फिर उसमें जो आवास में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं मकान बनने में, उस सेगमेंट की भी डिमांड बढ़ेगी, जिसमें आपका टाइल्स का बिजनेस हो गया, टाइल्स के बाद सीमेंट का बिजनेस हो गया, सीमेंट के बाद प्लाईवुड का बिजनेस हो गया, प्लाईवुड के बाद देखेंगे तो पेंट का बिजनेस हो गया। ये सब के सब सेगमेंट ग्रो होंगे और एक साथ ग्रो होंगे। तो इस सेगमेंट में देखा जाए तो मेरी जो नंबर 1 पसंद है वो कजारिया सेरेमिक्स है। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है कजारिया सेरेमिक्स। और यदि इसके सेगमेंट से हम आगे बढ़ना चाहते हैं कजारिया सेरेमिक्स से, तो एवरेस्ट इंडस्ट्री है जो एस्बेस्टस के छत वगैरह बनाती है, वो भी काफ़ी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो भी उसमें इन्वेस्टेड है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो सेंचुरी प्लाईवुड हो गया, वो भी अच्छा स्टॉक है। एक और स्टॉक था शंकरा बिल्डिंग, जो बिल्डिंग प्रोडक्ट बनाती थी, 2 साल पहले लिस्ट हुई थी, काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो वो काफ़ी अच्छा नहीं है मेरे विचार से, लेकिन काफ़ी लोगों की निगाह में रहता है। एक निगाह में रहने वाला स्टॉक है HIL, उसको भी लोग काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन मेरी अपनी पसंद जो है कजारिया सेरेमिक्स है। कजारिया सेरेमिक्स के साथ साथ मित्रों टाइल्स के साथ, टाइल तो है ही उसके साथ, उसके पास जो सैनिटरी के जो आइटम होते हैं, जो बाथरूम वगैरह फिटिंग्स वगैरह आती हैं, वो भी बहुत अच्छा सेगमेंट है, तो हमें उसमें भी मौका मिल सकता है। कजारिया सेरेमिक्स को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और लेना चाहते हैं तो एवरेस्ट इंडस्ट्री को भी रखा जा सकता है। इसके बाद है मित्रों कि अपने देश में पिछली बार जैसे नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी के बाद ऑनलाइन पेमेंट और इस तरह की चीज़ों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, तो आगे भी चल करके इसको और बढ़ावा दिए जाने की योजना है। तो उसमें देखा जाए तो मित्रों जो स्टार्टअप नहीं, जो TVS इलेक्ट्रॉनिक है, जो POS बनाती है, वो अच्छी कंपनी है, और ये माना जा रहा है कि इसका और बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जो 5G नेटवर्क वगैरह बढ़ेगा, तो TVS इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ मित्रों एक है एस्ट्रालाइट टेक्नोलॉजी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बिछाती है, तो वो स्टॉक भी बहुत अच्छा स्टॉक है, उसको लिया जा सकता है। बहुत
एक और है मित्रों कि जो इनकी योजना रही है स्टैंडअप स्टार्टअप वगैरह योजना, तो इस स्टार्टअप को देखते हुए एक जो स्टॉक है मित्रों इन्फो एज, बहुत अच्छा स्टॉक है। इन्फो एज में क्या स्थिति है कि मित्रों कि जब भी हम बिजनेस कोई बड़ा करते हैं तो हमें कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको वेंचर्स कहा जाता है। वो क्या करती हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सा खरीद लेती हैं और वो उसको लगातार इन्वेस्टमेंट करती जाती है, और जब वो कंपनी बड़ी हो जाती है तो अचानक से उसको अपना हिस्सेदारी बेच के बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। तो उसमें देखा जाए तो सबसे बहुत आगे है इन्फो एज कंपनी आ गया। आप देखेंगे जो भी स्टार्टअप, पॉलिसी बाजार हो गया, शादी.com हो गया, नौकरी.com हो गया, जोमेटो हो गया, इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इन्फो एज इसमें 2000 रुपये का लगभग आसपास का शेयर है। तो सरकार को या सरकार के दृष्टिकोण को देखते हुए मुझे लगता है कि इन्फो एज को भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या रखा जा सकता है। इन्फो एज भी अच्छा स्टॉक्स है। इसके बाद मित्रों जो कृषि सेगमेंट है, जो केंद्र सरकार की योजना है कि किसानों की आय डबल कर लिया जाए, तो उसमें देखा जाए तो मेरे जो सबसे पसंदीदा स्टॉक है जो UPL है, यूनाइटेड फास्फोरस है। हालांकि ये लार्ज कैप की कंपनी है, स्मॉल एंड मिडकैप सेगमेंट में मुझे कोई खास कंपनियां उस टाइप की दिख नहीं रही है। हालांकि मेघमणी भी रही, लेकिन मेघमणी में जो कार्पोरेट इशू आ गया उसको देखते हुए मेघमणी को नहीं लेना चाहिए, तो UPL हो गया। एक दीपक नाइट्राइट है, वो दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्राइट, उसको भी देखा जा सकता है। लेकिन जो UPL यदि हम लेते हैं तो उसमें कई सेगमेंट आते हैं। हाल ही में इन्होंने विदेश में एक एक्विजिशन किया था, तो इनके बिजनेस को और विस्तार मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी सेगमेंट में सबसे अच्छा स्टॉक हमारा UPL होगा। UPL के बाद मित्रों एक केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा हुआ है। चाइना में पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर केमिकल कंपनियों पे ताला लगा दिया गया है या लगाया जा रहा है। एक केमिकल हो गया, दूसरा पेपर इंडस्ट्री हो गया। तो ये जो दोनों सेगमेंट हो गया, केमिकल और पेपर सेक्टर, ये भी बहुत अच्छे सेक्टर हैं। पेपर सेक्टर की स्थिति ये है मित्रों कि पॉलीथीन वगैरह से जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, कई राज्यों में पॉलीथीन बैन किया जा रहा है। प्लास्टिक के जो गिलास आते थे, प्लास्टिक के जो कप आते थे, उसको जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, प्रतिबंध किया जा रहा है, उसके जगह पर पेपर के बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, कप गिलास वगैरह, वो हावी होते जा रहे हैं। तो लिहाजा पेपर सेक्टर भी बहुत अच्छा सेक्टर है। तो केमिकल सेक्टर की बात की जाए मित्रों, तो केमिकल सेक्टर में पिछले कुछ सालों में अपने देश में काफ़ी पैसा बना है, इन्वेस्टर ने काफ़ी पैसा बनाया है, अभी आगे भी बनेगा। और केमिकल सेक्टर अच्छाई ये है मित्रों, केमिकल क्या बल्कि केमिकल और पेपर दोनों हैं, कि ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा बाहरी तत्वों से प्रभावित नहीं होते हैं। इनका अपना एक फंडामेंटल है जिसमें अपनी स्पीड से चले जा रहे हैं। तो केमिकल सेक्टर में जैसे आप, इसका भी कई सेगमेंट है केमिकल में ही, तो केमिकल में जाएंगे तो एक अतुल है, बहुत अच्छा देखा जा सकता है। अतुल के बाद एक आरती इंडस्ट्री, उसको भी देखा जा सकता है। और थोड़ा सा हम और आना चाहते हैं तो एक AOL केमिकल है, उसको भी देखा जा सकता है। वो IOL केमिकल, इसके वो केमिकल के साथ साथ वो आपका फार्मास्यूटिकल भी इसमें आ जाता है, वो भी हो सकता है। IOL केमिकल को देखा जा सकता है। PI इंडस्ट्री अच्छा, वो खैर हालांकि वो लार्ज कैप का सेगमेंट है। एक थ्रूमलाई केमिकल है, वो भी अच्छा जा रहा है और काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको भी देखा जा सकता है, थ्रूमलाई केमिकल। एक और जो छोटा है, बहुत ही छोटा स्टॉक है मित्रों, वो है फिनोटेक्स केमिकल, अभी जो 40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वो भी आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ होना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। तो केमिकल सेक्टर में अतुल, आरती, थिरुमलाई, IOL और ये, इन सेगमेंट को हम एक बार देख सकते हैं।
पेपर इंडस्ट्री की बात जहाँ तक की जाए मित्रों, तो पेपर इंडस्ट्री में जेके पेपर सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। जेके पेपर को देखा जा सकता है सबसे शीर्ष पे। जेके पेपर को देखा जाए तो एक वेस्ट कोस्ट पेपर है। हाल ही में वेस्ट कोस्ट पेपर ने एक दूसरी कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो वेस्ट कोस्ट पेपर को भी देखा जा सकता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसमें बिल्कुल जो टॉप पे बना हुआ है उसके साथ रहा जाए तो ज़्यादा सही है। तो पेपर इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे है जेके पेपर, तो जेके पेपर को लिया जाए। जेके पेपर के अतिरिक्त यदि हम और सेगमेंट देखना चाहते हैं मित्रों, तो ट्रीडेंट है, अभी 60-65 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है ट्रीडेंट। वो उसमें जेके पेपर के साथ साथ उसके जो कपड़े का जो कारोबार है वो दोनों कारोबार हमको मिलता है। और इनका जो बेडशीट होता है, एक तौलिया, इस तरह के सेगमेंट में ट्रीडेंट का बहुत अच्छा दखल है। तो पेपर और कपड़ा दोनों को हम लेना चाहते हैं एक साथ, तो हम ट्रीडेंट को भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न पिछले कुछ सालों में दिया नहीं है, लेकिन देखा जा सकता है उसको भी। उसके बाद मित्रों, एक चीज़ और मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा मित्रों, कि अपने देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग $2,000 के आसपास है। ऐसा देखा जाता है मित्रों कि जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था $2,000 के ऊपर बढ़ती है तो अचानक से जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था पांचवें गियर में बन जाती है। तो लोगों का जो कंजम्पशन होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो वो होने वाला है हम अपने देश में भी। हर अर्थव्यवस्था वैसे बढ़ी है, अपनी अर्थव्यवस्था भी वैसे बढ़ेगी, लिहाजा उसको देखते हुए कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पे हम दाव खेल सकते हैं। जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, लोग फिल्मों हॉस्पिटैलिटी पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, फिल्में देखना, बाहर घूमना, प्लेन से यात्रा करना, इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिजली का ज़्यादा उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, खाने पीने पर होटल पर ज़्यादा खर्च करते हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि महिंद्रा हॉलीडेज एक शेयर है, महिंद्रा ग्रुप का शेयर है, और इनके अपने देश में और देश के बाहर भी बहुत सारे रिजॉर्ट फैले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा हॉलीडेज को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त फिल्म सेगमेंट में मित्रों PVR है। PVR हालांकि लार्ज कैप कैटेगरी का शेयर है, लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है, PVR को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। इसी तरह से मित्रों फैशन सेगमेंट का देखेंगे तो आदित्य बिरला फैशन है, उसको भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया जा सकता है। इसी तरह से एक पावर सेगमेंट है, पावर का भी कंजप्शन बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की जो इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ब्रांडेड में सबसे अच्छा कौन सा है कपड़ों में देखा जाए तो आदित्य बिरला कैपिटल है, उसमें पीटर इंग्लैंड और कई तरह के उसके पास ब्रांड है, पेंटलून खुद भी अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, तो उसको लिया जा सकता है। और पावर सेगमेंट में चूंकि हम आगे बढ़ेंगे तो पावर भी तो यूज होगा उसके साथ, तो कल्पतरु पावर एक छोटा स्टॉक है, कल्पतरु पावर भी देखा जा सकता है। इसी तरह से बिजली के आइटम वो यूज होंगे ज़्यादा, तो बिजली आइटम में देखा जाए तो मित्रों बी गार्ड अच्छा शेयर है, लेकिन मुझे लगता है कि हाल ही में लिस्ट हुआ एक ओरिएंट इलेक्ट्रिक है, ओरिएंट के फैन, ओरिएंट के कई तरह घरों के प्रोडक्ट भी आते हैं, तो ओरिएंट को भी स्मॉल सेगमेंट में ओरिएंट इलेक्ट्रिक को भी देखा जा सकता है और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और भी है, हमने एक छोटा सा एक रफ आइडिया देने की कोशिश किया मित्रों। कोई भी निवेश करने से पहले खुद का रिसर्च करना, खुद का जो अनुभव होता है वो ज़्यादा काम आता है। दूसरे के
राय से बहुत ज़्यादा पैसा हम लोग नहीं कमा सकते, लिहाजा मेरे राय पर आप लोग इन्वेस्टमेंट न करें, आप लोग खुद अपना रिसर्च करिए और रिसर्च करने के बाद जो आपको अच्छा लगे वहाँ रिटर्न करिए, इन्वेस्ट करिए। और इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं उनसे भी राय ले सकते हैं, वो भी अच्छे अच्छे राय देंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, यदि कोई वीडियो में सुधार की आवश्यकता हो तो कृपया उसको भी बतावें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है वीडियो बनाने का। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।